किसका मोबाइल गया? सब चलो MM लिमिटेड हैज थ्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट XYZ एंड द टू सर्विस डिपार्टमेंट SNC. तो XYZ थ्री डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन एंड द SNC इज ए सर्विस डिपार्टमेंट, तो टोटल फाइव हो गया. द फॉलोइंग डिटेल वेयर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस. इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ओवरहेड्स. इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ओवरहेड्स इनकर्ड ड्यूरिंग द अप्रैल 2014. अब ऊपर इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया. अब सब लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट का अमाउंट 9000, इनडायरेक्ट वेजेस का 1200. तो लास्ट में सन्ड्री एक्सपेंस का अमाउंट कौन सा है रे? वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कोलन है, कोलन. नागोबा काटता तो दो निशान आता ना, वैसे देखो इनडायरेक्ट कॉस्ट के बाजू में दो कोलन साइन है. वो हेडिंग है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये हेडिंग है वो नीचे अंडरलाइन नहीं किया है, लेकिन ये जो कोलन क्या मतलब दिया है बताइए, हेडिंग है. तो उसके सामने कोई अमाउंट नहीं है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट का कुछ मतलब नहीं हो, जैसा वो हेडिंग है. इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ओवरहेड्स. अब पहला दिया हुआ है इनडायरेक्ट वेजेस मिला, देन क्या दिया है लाइटिंग, देन रेंट एंड रेट्स, फिर इलेक्ट्रिक पावर, डेप्रिसिएशन अंडर एक्सपेंस, दैट मच बस. अब नीचे क्या दिया, वैल्यू ऑफ मशीनरी इन 1000, 60000, 50000, 80000, 10000. तो रेशियो क्या आएगा, 6, 5, 8 and 1 बराबर है 6, 5, 8 and 1 आएगा. HP given 40, 45, 65. 5 से कैंसिल करो, 5, 8 जा, 5, 9 जा, 5, 12 जा, 5, 1 जा, बराबर है. लाइट पॉइंट दिया नंबर 20, 30, 40, 20, 10. तो 2, 3, 4, 2, 1 बराबर. फ्लोर स्पेस कितना है, 150, 200, 250, 150. तो 50 से कैंसिल करो, 3, 4, 5, 2, 1. क्या बोल रहा है यार, समझ ही नहीं रहे. अभी देखो डायरेक्ट वेजेस दिया, डायरेक्ट वेजेस है 30,000, 20,000, 40,000, 4,000, 6,000. क्या करेंगे हम लोग, रेशियो क्या बन जाएगा, 3, 2, 4. नहीं रे चल 50, क्योंकि 30,000 4 है वो, तो 15, 10, 20, 2, 3 बराबर है वो. पहला 30,000 है, फिर 20,000, फिर 40,000, फिर 4 and 6,000 है. 30,000, 20,000, 30,000, 20,000 और 40,000, 4,000 and 6,000. तो 3 0 सबका कैंसिल होगा. अभी 2 से कैंसिल करना पड़ेगा, तो 215, 210 जा, 220, 22 जा एंड 23 जा. 15, 10, 22 and 3 का रेशियो बन जाएगा. ओके उसके बाद मशीन आवर वर्क, मशीन आवर वर्क नंबर ऑफ आवर वर्क द मशीन, मशीन कितने घंटे काम कर रहा है, 4,250, 3,380 and 7,120. 4,250, 3,380 and 7,120 क्या आएगा, 10 कैंसिल होगा. तब इसको और ज़्यादा सोचने मत, 425:338:712. ओके वही रन द रेशियो, कैलकुलेटर है अपने पास. प्रिपेयर द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड समरी, ताकि हम लोगों को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोला. ओके क्वेश्चन रीड करो पहले. सो बुक्स ऑफ MM लिमिटेड एंड द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन वी हैव टू आस्क. फर्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट वेजेस. हाँ सॉरी, हम लोग डिस्कस नहीं किया डिस्ट्रीब्यूट कौन से बेसिस पे करना है. अब इनडायरेक्ट वेजेस है तो प्रोपोर्शनली डायरेक्ट वेजेस के रिस्ट में डालेंगे हम लोग इसको. तो इनडायरेक्ट वेजेस विल गो टू द डायरेक्ट वेजेस पॉइंट ऑफ व्यू. लाइटिंग नंबर ऑफ पॉइंट, पॉइंट दिया नीचे कहीं दिया नंबर ऑफ पॉइंट, यस लाइट पॉइंट दिया ना. उसका रेंट एंड रेट्स, फ्लोर एरिया, रेंट है, रेंट है तो एरिया वाइज फ्लोर. उसका इलेक्ट्रिक पावर, हॉर्स पावर, डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ प्लांट,
आप देखो वैल्यू प्लांट दिया, हाँ वही वैल्यू मशीनरी हो गया ना, प्लांट मशीनरी, ओके। एंड देन सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस में क्या करेंगे हम लोग, आपको मैंने चार्ट में लिख के दिया, जनरल एक्सपेंस लिख के दिया रहूँगा, डायरेक्ट वेजेज। तो सन्ड्री एक्सपेंस क्यों बोलते हैं हम लोग, जनरल एक्सपेंस, तो सन्ड्री एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, दैट विल गो डायरेक्ट वेजेज। वो चार्ट में आप लोग लिख दो, वो जो क्वेश्चन थ्योरी था अपना वहाँ पे दिया लिखा हूँ, वहाँ जनरल लिखा हो ना, नहीं क्या है जनरल लिखा हूँ, हाँ तो जनरल के बाजू में लिख दो, जनरल मतलब ही हो गया सन्ड्री मिसलेनियस, हाँ जनरल वो लिखा ना, उसके ब्रैकेट में डाल के लिखे सन्ड्री एक्सपेंस मिसलेनियस। एकदम लास्ट में रहेगा, कहाँ लिख रही है लड़की, चुड़ैल इधर है, लिख दो बाजू में सन्ड्री एक्सपेंस मिसलेनियस एक्सपेंस। चलो मैं, चलो पहला इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस क्या रेशियो बनेगा डायरेक्ट वेजेस का, चल रहे 15, 10, 20, 2, 3, कोई तो 6, 5 बोल रहा था, कौन है इधर लगे उसको, इधर ही है डायरेक्ट वेजेस दिया 30,000, 20,000, 40,000, 4,000, 6,000, उसको करेंगे रेशियो। चलो अमाउंट कितना है इनडायरेक्ट वेजेस का, 9,000, 15, 20, 50 जाएगा ना, 9,000 डिवाइड बाय 50, 180, 2,700, रुकना बारह से रुकना, हाँ 540, नेक्स्ट है लाइटिंग, किसमें करते हम लोग, नंबर ऑफ पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट का क्या रेशियो बनेगा, 2, 3, 4, 2, 1 और अमाउंट है 1200, 5, 5 by 10, 12, तो 200, 300, 400, 200, 100, लाइट है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे मालूम पड़ेगा, बोले साधना कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आफ्टर लाइटिंग क्या है, रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स किससे आएगा, एरिया और फ्लोर, ओके तो फ्लोर स्पेस दिया और एरिया, वो एक ही मतलब है, फ्लोर स्पेस, फ्लोर स्पेस का रेशियो क्या बन जा रहा है, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 4, 5, 2, 1 एंड अमाउंट कितना उसका रेंट का, 12,000 ना, 7, 12, 12 and 3, 15, हाँ बोलो, 8, 8, 3, 24, 2,400, 3,200, 4,000, 1,600 एंड 800, उसके बाद क्या, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर 6,000, क्यों कौन से रेशियो में जाएगा ये, हॉर्स पावर है क्या, तो रेशियो क्या बन रहा है, 8, 9, 12, 1 एंड अमाउंट है उसका 6,000 डिवाइड बाई 30, 200, 1,600, 1,800, 2,400 एंड 200 बराबर है,
उसके बाद डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशियो क्या बन जाएगा, वैल्यू प्लांट और मशीनरी समझ दिया, तो मशीनरी, चलो मशीनरी रेशियो 6581 एंड अमाउंट कितना है 24,000 11 and 9 20 1200 7000 6000 9600 and 1200 बराबर है पक्का। सन्ड्री एक्सपेंस आगे मत भागना, खड्डा है। डायरी वेजेस 7800 और डायरी वेजेस का रेशियो उधर किया आपने 15 10 22 and 3 तो कितना आया था 30 45 50 आया था 7800 divided by 50 बोल 2340 1560 3120 ये क्या बोल 3120 चलो और कुछ है नहीं। वेट अब डायरेक्ट वेजेस का पॉइंट दिया है अब यहाँ पहले बता डायरेक्ट वेजे टोटल वेजे वेज नहीं डायरेक्ट वेजे क्लियरली तो डायरेक्ट वेज गिवन ओके लेकिन डायरेक्ट वेज सबका डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है पूरा नहीं करना है 30,000 20,000 40 खाली सर्विस डिपार्टमेंट का तो सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा था एस और सी तो एस का कितना है 4000 और ए का कितना है 6000 डायरेक्ट वेजेस गिवन उसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अपने आप रिस्पेक्टिव कॉलम का वैल्यू दिया है कितना है एक का 4000 है और एक का 6000 सुना अभी पहले तो हो गया और टोटल कितना आएगा ये 10,000 दिया ना 4000 6000 उसका टोटल करके यहाँ लिख दिया 10,000 बाकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं बिकॉज द डायरेक्ट वेजेस फॉर द सर्विस डिपार्टमेंट विल बी ट्रीटेड एज ओवरहेड्स टोटल करो आ 70 triple 1640 सब मौर्य बोलिए रॉन्ग होना 4272 ये दोनों माँ ने बोली है और ये कोई नहीं बोलेगा कोई है जब दादा दादी नाना नानी क्यों मैं करूँ 4000 8000 10000 10 20000 20000 23000 120 कितना है डायरेक्ट वेजेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट हाँ बहुत लॉन्ग आ रहा ना ए मुरिया 1 4 का हो मौर्या लोग ना मैंने बोले ही नहीं अभी तक डायरेक्ट वेजेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट विल बी ट्रीटेड एज ओवरहेड्स हेंस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट वेजेस चार्जेस
इनडायरेक्ट चार्ज मतलब ओवरहेड्स आर टेकन फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2014. वी गॉट इनडायरेक्ट मटेरियल, अगर थ्री डिपार्टमेंट दिया हुआ है एक्स वाई जेड एंड ए और बी सर्विस डिपार्टमेंट है, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल का उन्होंने पूरा डिवाइड करके दे दिया अल्फाई को. रिमेंबर इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब ओवर एड्स. इनडायरेक्ट लेबर भी देखो डिवाइड करके दे दिया तीनों को मतलब अल्फाई को, तो दो स्टार्टिंग में पूरा डिवाइड हुआ है. उसका सुपरिटेंडेंट सैलरी 96,000 प्योरली खाली 96 किधर पे जेड को है, टोटल भी 96 है और जेड के कॉलम में डायरेक्ट 96 दिया है. इसका मतलब दैट पर्टिकुलर एक्स पे ओनली किसके लिए है, जेड के लिए, बाकी लोग के लिए नहीं है. बट उसके आगे का देखो फ्यूल पावर सबका टोटल तो दिया है बट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, वो हम लोग को करना है. स्टार्टिंग का तीन आइटम का डिस्ट्रीब्यूशन दे डीड, ओके ना, तो हम लोग उसको खाली ऐसे डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे. सो आएगा क्या, यस, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट वेजेस है और ऑल इनडायरेक्ट विल बी ट्रीटेड एज ओवरहेड्स, तो उसको ऐसे कॉपी करो. बाकी का फाइव को हम लोग अब रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. हम लोग क्या दिया, पहला फ्यूल एंड हीट दिया है, देखते बाद में फ्यूल एंड हीट. फिर क्या है, पावर, रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस, मील चार्जेस एंड डेप्रिसिएशन. वी गॉट द अदर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन, एरिया स्क्वायर फीट का दिया है कितना, 4,400, 4,000, 3,000, 2,400, 1,200. क्या करेंगे, 20 का कैंसिल कर दो, 4 से कैंसिल होगा क्या, यस, 4,11 जा 4,10 जा, नहीं आएगा ना, नहीं नहीं नहीं, 2 से आएगा 22, 20, 15, 12, 6, बराबर है, 2 से कैंसिल होएगा वो. उसके बाद कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स, जैसे वैल्यू ऑफ असेट्स 4 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, क्या रेशियो बन जाएगा, 4, 6, 5, 1, 2. किलोवाट दिया, हॉर्स पावर नहीं दिया, किलोवाट. 1 हॉर्स पावर इक्वल टू था 746 वाट. 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट. तभी तक HP रहता था तो HP डिवाइड करते थे, अभी क्या दिया है, किलोवाट दिया है, तो वी विल यूज द किलोवाट. एंड कितना है रेशियो, 3500, 4000, 3000 एंड ये 1500. क्या रेशियो बन जाएगा, 7:8:6:3 ना, 35 ना, 5 से कट कर रहा हूँ 5 से. उसके दिया रेडिएटर सेक्शन, रेडिएट इज अ वर्ड ऑफ रेडिएशन. अब रेडिएशन मतलब अरे भट्टी होता है, चुना मतलब ईंट की भट्टी जैसे बोलते हैं, तो वैसे ही अरे कोई चीज़ को पिघलाने के लिए जो भट्टी होता है दैट इज कॉल्ड रेडिएटर. तो जो भट्टी में क्या लगेगा, पावर एंड फ्यूल, हीट दिया ना, फ्यूल एंड हीट, दैट इज रेडिएटर सेक्शन. कितना है, 20, 40, 60, 50, 30, क्या आएगा, 2, 4, 6, 5, 3. और फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे आर गिवन, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, एक बार अगले क्वेश्चन पढ़ो. चल मैं पहला क्या दिया है, इनडायरेक्ट मटेरियल और बेसिस क्या उसका, ऑलरेडी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करके दे दिया है सब पांच कॉलम, ऑल फाइव कॉलम में, तो गिव इन वर्ड यूज करो. और टोटल कॉलम 125 दिया है, खाली टोटल दिया था तो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना रहता था, बट ऑलरेडी ऑल फाइव कॉलम में दिया हुआ अमाउंट गिवेन, तो वो अमाउंट ऑलरेडी पहले से डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है. और इनडायरेक्ट दिया, डायरेक्ट दिया तो नहीं लेते हम लोग, डायरेक्ट वाला खाली किसका लेते, सर्विस वाले का लेते थे हम लोग, बट इनडायरेक्ट दिया तो ऑल का आएगा. 1,25,000 है तो 20, 30, 45 एंड 25,500.
देन इनडायरेक्ट लेबर, टू लैख, इसका भी वैल्यू दिया है 260,000, 45,000, 50, 70, 60 एंड देन 35. देन ए सुपरिटेंडेंट, कितना है टोटल 96,000 गिवन टोटल में दिया है. कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके दिया उन्होंने, खाली एक ही कॉलम में दिया डायरेक्ट, विच कॉलम, जेड कॉलम 96. यहाँ तक का डिस्ट्रीब्यूशन दे हैव ऑलरेडी गिवन. नाउ लेट टेक द फ्यूल एंड हीट. कौन से रेशियो में करेंगे फ्यूल एंड हीट, रेडिएटर या उधर. कितना है 15,000 टोटल है. रेशियो क्या बनेगा रेडिएटर का, क्या बोले, 2, 4, 6, 5, 3. कितना है 6, 6, 12, 12, 20. 15,000 डिवाइड बाई 20 करो 750. 1,500, 3,000, 4,500 राइट है, 750 आ 3,750 और 2,250 पक्का. चल फिर दिया पावर एंड फ्यूल. अमित जी पावर क्या करें, पावर को नॉर्मली हॉर्स पावर होता है, लेकिन यहाँ हॉर्स पावर क्या लगेंगे, किलोवाट पावर दिया मिला कहीं पे, किलोवाट आवर दिया ना, किलोवाट. क्या रेशियो बनेगा किलोवाट का, 5,7 जा 5,8 जा 5,6 जा 5,3 जा राइट. 1,80,000 चलो नेक्स्ट क्या है, रेट, रेंट एंड रेट्स. रेंट एंड रेट्स 1,00,000 कौन से किसमें करेंगे हम लोग, एरिया क्या आएगा, 22, 20, 15, 12, 6 बराबर. चलो अमाउंट कितना है, 1,00,000 है ना, 1,00,000 42 और 18 हाँ 1,50,000 कितना है 42 और 18 60, 75 तो 44,000 40,000 30,000 24,000 एंड 12,000 बराबर है. कौन हाँ बोल रही है, इंश्योरेंस. अब देखो बच्चों इंश्योरेंस का दिया नहीं कि स्टॉक है कि मशीन रहेगा है, अगर स्टॉक का होता तो स्टॉक वैल्यू लेते थे हम लोग, मशीन का होता तो मशीन लेते थे हम लोग,
अभी तक कुछ भी दिया नहीं है, तो देखो कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट दिया ना, वैल्यू ऑफ असेट, क्योंकि स्टॉक भी क्या है असेट होता है, मशीन भी क्या है असेट होता है, तो ओनली इंश्योरेंस गिवेन, कुछ भी नहीं दिया है तो वैल्यू ऑफ असेट्स, वैल्यू ऑफ असेट्स डब्ल्यू एन एफ टू एफ वन एफ टू वैल्यू ऑफ असेट क्या रेशियो बन रहा वैल्यू ऑफ असेट्स का 4 6 5 1 2 अमाउंट 18,000 10 15 18 4,000 6,000 5,000 1,000 2,000 नेक्स्ट है मिल चार्जेस किस में आएगा मिल चार्जेस अब मिल मतलब फूड फूड किसको मिलेगा वर्कर नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉय क्या रेशियो बनेगा नंबर एम्प्लॉय के लिए 6 7 12 3 2 और अमाउंट कितना है 60,000 13 25 30 60,000 30 तो 2,000 12,000 14,000 24,000 6,000 and 4,000 डेप्रिसिएशन किस पर करेंगे डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ कुछ दिया है क्या करेंगे भाई वैल्यू ऑफ असेट्स 4 6 5 1 2 आपने पहले से लिखा वैल्यू ऑफ असेट्स का 2,70,000 10 15 18 2,70,000 / 18 1,500,000 ना तो 60,000 90,000 75,000 15,000 and 30,000 राइट है बस और कुछ है कुछ नहीं अब नीचे कहीं डायरेक्ट वेजेस दिया है डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट मटेरियल है डायरेक्ट एक्सपेंस है कुछ नहीं है तो इधर चला नहीं क्या टोटल कर भाई कोई नहीं करेगा डबल 1,74,000 11,70,000 9,0,250 इतना बाकी लोग क्या घंटे बजाने आए हो ए बटले बुटले किसका इसका सो फाइनली बस टोटल करना है और एक बार चेक कर लेना कि डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट मटेरियल है या नहीं इसमें क्या था इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर था दैट इज नॉर्मल ओवरहेड्स आफ्टर करने के बाद एक बार जरूर क्वेश्चन में चेक कर लो कि डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है कि नहीं बिकॉज उसको भी हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये हो गया क्या आपका प्राइमरी पार्ट ओके ना इसके बाद होगा आप सेकेंडरी